नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके और महागठबंधन का साथ छोड़ चुके संतोष मांझी को अब वीआईपी सुरक्षा दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी, जो कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे और पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके साथ ही महागठबंधन से किनारा कर लिया, उनको अब एमएचए ने वीआईपी सुरक्षा दे दी है। संतोष मांझी को एमएचए ने, आपको बता दे, क्यूवाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बताते चले कि आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर एमएचए ने वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला किया। हाल ही में संतोष मांझी और उनके पिता जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अब इन्हें वीआईपी सुरक्षा मिली है और सीआरपीएफ के कमांडो संतोष मांझी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा यहां पर मुहैया कराई गई है। एमएचए सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई, जहां बताया गया कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को एमएचए ने वीआईपी सुरक्षा दे दी है। इस प्रकार की सुरक्षा आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। बताते चले कि पुलिस के 11 कमांडो संतोष मांझी की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहेंगे, साथ ही 6 पीएसओ 3 शिफ्ट में उनकी देखरेख करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। बता दें कि विपक्षी एकता के लिए जो 23 जून को बैठक होने वाली थी, उससे पहले संतोष मांझी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए थे। और अब एनडीए में शामिल होते ही संतोष मांझी को वाई सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें कि इसके पहले चिराग पासवान, मुकेश सहनी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जिसको ये कहा जा रहा था कि नीतीश से बगावत का ये इनाम मिला है। एक के बाद एक लगातार जितने भी नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनको वाई सिक्योरिटी दी जा रही है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी के बाद अब नया नाम इसमें संतोष मांझी का भी शामिल हो गया है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।